हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास शर्मा और स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है वन फॉर ऑल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप मोटो G60 स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आप किस तरीके से उसमें जो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि मोटोरोला G60 के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल रहा है। तो दोस्तों, जब आप कैमरा इस्तेमाल करेंगे तो उसमें किस तरीके से जो है 108 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो दोस्तों, हम अपने मोटो G60 की स्क्रीन पर हैं और यहाँ पर हम कैमरा आइकन देख सकते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो है यहाँ से कैमरा ओपन अप कर लिया है। दोस्तों, जैसे ही आपको यहाँ पर कैमरा ओपन अप करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन फ़िलहाल मिल रहे हैं। पहला है फ़ोटो का, जो अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिलेक्टेड है, एंड सेकंड ऑप्शन है वीडियो का। ये देखिए दोस्तों, तो ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। आप किस तरीके से जो है यहाँ पर आप 108 मेगापिक्सल का कैमरा इस्तेमाल करेंगे वो आपको हम बताएँगे। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़ोटो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि आपको टॉप राइट कॉर्नर में सेटिंग्स मिल रही हैं। चलिए इसे ओपन अप करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको कई सारी सेटिंग्स मिल रही हैं। पहला है AI सेटिंग, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इनमें से जो भी सेटिंग्स इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे ऑन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप फोटोज़ की सेटिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमराज मिल रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर रियर फोटो रिजोल्यूशन है, आप यहाँ से फोटो रिजोल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो पहला फ़ोटो रिजोल्यूशन है यहाँ पर 12 मेगापिक्सल या 108 मेगापिक्सल एंड 8 मेगापिक्सल या 32 मेगापिक्सल बाय क्वाड पिक्सल। तो यहाँ पर हमने इसे अभी 12 मेगापिक्सल यानी कि 108 मेगापिक्सल पर अल्ट्रा पिक्सल इस पर सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास फ्रंट कैमरा का फोटो रेजोल्यूशन है जिसको हम क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें दो रेजोल्यूशन मिल रहे हैं, 8 मेगापिक्सल 32 MP क्वाड पिक्सल और एक 32 मेगापिक्सल। तो हमने इसे सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आपको कई सारी सेटिंग्स और भी मिल रही है। इसके बाद आपको वीडियो सेटिंग्स यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर आपको कैप्चर सेटिंग्स मिल रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टोरेज की सेटिंग है और यहाँ से आप अबाउट सेक्शन या इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं कैमरा की। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं दोस्तों, और अभी हमें यहाँ पर कहीं पर भी 108 मेगापिक्सल को सिलेक्ट करके फ़ोटो कैप्चर करने का ऑप्शन नहीं मिला है। तो यहाँ पर फिलहाल जो हमारा कैमरा ओपन है वो 12 मेगापिक्सल का ही है। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको ये जो तीन लाइन्स दिख रही हैं इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अल्ट्रा रेजोल्यूशन, यानी कि 108 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि 108 मेगापिक्सल यानी कि अल्ट्रा रेजोल्यूशन का कैमरा यहाँ पे ओपन अप हो गया है और अब आप यहाँ से इसे फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं। और दोस्तों, जब आपको बैक टू नॉर्मल जाना है तो आप फिर से फ़ोटो पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप देखेंगे कि अल्ट्रा रेजोल्यूशन जो मोड है वो फिर से बंद हो गया। तो आपको इसे जब भी 108 मेगापिक्सल कैमरा से फ़ोटो लेनी है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जा करके और यहाँ से हमेशा अल्ट्रा रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कैमरा को जो है फ़ोटो से अल्ट्रा रेजोल्यूशन मोड पे स्विच किया है और अल्ट्रा रेजोल्यूशन मोड से फ़ोटो पे स्विच किया है। तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल यहाँ पर कैमरा की क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, पर दोस्तों जब आप इस फ़ोटो को कैप्चर कर लेंगे तो उसके बाद आप इसकी क्वालिटी में फ़र्क देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखाने वाला हूँ जो मैंने 12 मेगापिक्सल के कैम से भी चेक की है और 108 मेगापिक्सल के कैम से भी कैप्चर की है। तो चलिए मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, एक पहली फ़ोटो है ये वाली जिसका रेजोल्यूशन जो है वो 12 मेगापिक्सल का है और ये है सेकंड फ़ोटो जिसका रेजोल्यूशन 108 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको कुछ खास फ़र्क नहीं दिख रहा होगा इन दोनों फ़ोटोज़ के अंदर ही, पर मैं आपको अभी फ़र्क दिखाता हूँ। ये जो फ़ोटो है ये है 12 मेगापिक्सल की, आप प्रॉपर्टीज़ में जाकर के देखिए, यहाँ पर रेजोल्यूशन दिखा रहा है 4000x3000 यानी कि 12 मेगापिक्सल और साइज़ देखिए दोस्तों इसका है 4.6 MB। अब यहाँ से हम दूसरी फ़ोटो जो है इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये रेजोल्यूशन दिखा रहा है 12000x9108 मेगापिक्सल और साइज़ देखिए दोस्तों 22 MB, लगभग 5 गुना साइज़ है इसका जो दूसरा कैमरा हमने इस्तेमाल किया है फ़ोटो कैप्चर करने के लिए उसके कंपेरिज़न में। तो अब इसमें फ़र्क देखते हैं दोस्तों। आप देखिए इस फ़ोटो को हम जूम करेंगे और आप देखिए यहाँ पर आप बैकग्राउंड के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि हमें एकदम क्लियरली विजिबल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखिए कुछ लिखा हुआ है, ये भी क्लियरली विजिबल नहीं है और ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो क्लियरली विजिबल नहीं है। अब हम दूसरी पिक्चर पर जाते हैं दोस्तों जो हमने 108 मेगापिक्सल कैमरा से कैप्चर की है। तो ये देखिए, अब इसे हम जूम इन करते हैं
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, जो हम पहले वाली पिक्चर के अंदर नहीं देख पा रहे थे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमें क्लियरली विजिबल है। तो दोस्तों ये फ़र्क है, 108 मेगापिक्सल कैमरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं मोटो जी 60 में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए बेनिफिशियल होगा तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।